हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। सर पठान को लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाजाब्ते इशू किया है, तो एक बार पुलिस वालों को सोचना चाहिए। शहर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेता को प्रॉब्लम है। एसीपी ने कहा कि जाओ नेता का जाके पांव पकड़ो, तरीपार होने के बावजूद भी ये हुआ कि जा तू एनसीपी ज्वाइन कर ले और ये कर ले। तो बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो थोड़ी बहुत उसमें मौजूद होती है। उनको कॉर्पोरेशन में खत्म कर दो, आम आदमी को लाके रखो। इस तरह मोदी जी जैसे पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया है, मुमरा को उसी तरह से इसको खत्म कर दिया गया है, हर तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया। जब सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप बने ही क्यों हैं? जनता के कि जनता का तेल निकलेगा, अब 20 साल में तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। और फैजी साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी, क्या तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तीन मुद्दों के ऊपर। जनरली तो एक ही मुद्दे के ऊपर रहती है, लेकिन यहाँ तीन मुद्दा इसलिए क्लब किया कि आप लोगों को भी बार बार परेशान न किया जाए, बता दिया जाए कि क्या क्या मुद्दे थे। एक मुद्दा तो टॉरेंट का था कि टॉरेंट का यहाँ पर जो हाल और चाल है, जिस ढंग से काम कर रहा है उससे आवाम बदहाल हो चुकी है, और उसको हमें ख़त्म करने के लिए हमें बड़े एक रैली और मोर्चा जो भी कह लें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत आ गई है। उसका डिटेल में भी मैंने और लोगों को अभी दिया है, अगर वहाँ से भी आप लोग थोड़ा ले लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यह है कि मसले बहुत सारे हैं टॉरेंट के, जो मैंने एक महीने में इनके सारी खामियां और उनके काम करने का तरीका और उनका गलतियां जो है उससे आवाम काफ़ी परेशान हो चुकी है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाला 20 साल में ये उनको लगता है कि बिल्कुल कंगाल करके छोड़ देंगे और इसका फ़ायदा जो है सिर्फ नेताओं को मिलने वाला है। साहब, आपके पास इतने प्रूफ हैं, उसके बावजूद आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे, क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? देखिए, कोर्ट के बारे में अभी कॉन्फ्रेंस में पूछा था लोगों ने, हमने यही कहा कि हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं। पहले कंज्यूमर कोर्ट का खटखटा रहे हैं, फिर मेन कोर्ट का, क्योंकि हमारे पास जब हम कोर्ट के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ और पूरे सबूत हमारे पास हो तो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से उसको फाइल किया जाए, कैसे पुट किया जाए, ये सब एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन हम इस पर बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं, और कोर्ट ही एक रास्ता है जो टॉरेंट को हटा सकता है। अगर उनकी गलतियां पकड़ा गई तो कोर्ट या तो कहेगा कि आप सीधा ठीक कर दीजिए, आपको जुर्माना इतना लगता है, या आप छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, इनका रद्द किया जाए। अगर बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, उनके धोखे अगर पकड़े गए, तो कोर्ट कह सकता है कि एक ही तरीका है इनको भगाने का टॉरेंट को, वो कोर्ट का रास्ता है। आम पब्लिक जो है वो टॉरेंट के विरोध में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन नहीं करती है। कई तंजीमें भी विरोध करने की बात कही, लेकिन अभी तक विरोध में नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी में आम जनता प्रवेश नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियाँ ही टॉरेंट लेकर आ रही हैं। तो क्या जनता का विश्वास जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है? जनता का विश्वास, जाहिर सी बात है, जो पहले की गवर्नमेंट है उनसे कम होता जा रहा है, कि इन्होंने कहा कुछ था और किया कुछ है। जैसे कहा कि मेरे लाश पर से आएगी, किसी ने कहा कि हम आगे सत्ता में तो आने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने कहा वही, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं मोदी जी ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे और करते उसके अपोजिट है, एकदम सेम पैटर्न। यानी कि अगर हम वहां और यहां में अगर कंपैरिजन करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और मुंबरा की हालत देखें, तो वैसी जैसे मोदी जी के स्टेटमेंट और करेंगे उल्टा ठीक उसका, उसी तरीके से यहां वाले कहेंगे कुछ और खुद ही लाएंगे, और बल्कि खुद ही लाएंगे नहीं, बल्कि यहां तक मुझे पता चला है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें बहुत सारे लोग एनसीपी के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो इन लोगों की जुबानें आप देखा होगा इतने दिनों में, शायद आप लोग किसी एक नेता का भी इनका एनसीपी का, सिवाय इक्का दुक्का के, जो लगता है कि कुछ वजह से कुछ या तो वो इंसाफ वाले हैं
या उनसे परेशान है। उनके अल्फाज हमने एक दो देखे हैं जो उन्होंने उसकी ये खंडन किया है कि ये गलत हुआ है, लेकिन आम तौर से जो इनके खास जो चेले चपाटे हैं उनके मुंह से आपने कभी टोरेंट की मुखालफत करते हुए नहीं देखी होगी। और टोरेंट को यही लाए हैं और यही इसका फायदा पूरा का पूरा लूटना चाह रहे हैं और आवाम को नंगा करके छोड़ेंगे। बरा में जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात आपने दिया ना कि कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। देखिए कानून व्यवस्था एक ही जगह पे सही नहीं है, बल्कि हमने अभी फिलहाल कहा है उसमें बहुत डिटेल में कि कानून व्यवस्था कहाँ कहाँ खराब है। इनका देखिए जब इतने लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद भी एक इसमें कानून व्यवस्था इनका पूरा ख़राब है, और जिस कानून व्यवस्था को मेंटेन करना था चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चोरी के मामले में हो, डकैती के, उसी तरीपार के ही हम रिफरेंस में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का चरमराया ही हुआ हाल है कि जिस आदमी को जमीयतुल उलमा हिंद और इस्लामी जमात जैसे लोग जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और इतने NGOs ने दे दिए हैं, उतने तो इनके खिलाफ FIR नहीं है। यानी कि मतलब कई दर्जन भर लोगों ने इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट शहर के लोगों ने, बड़ी बड़ी तंजीमों ने दिया, तो एक बार पुलिस वालों को सोचना चाहिए था। सैफ पठान को लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाजाब्ते इशू किया है, और वैसे को जब किसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया हो शहर के बड़ी बड़ी तंजीमों ने दिया, पुलिस को क्या इख्तियार होता है? पुलिस किसके लिए होती है? देखती है कि शहर वालों को प्रॉब्लम है कि नहीं। शहर वालों को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नेता को प्रॉब्लम है, तो नेता के कहे हुए प्रॉब्लम की वजह से वो उसको तड़ीपार किया जा रहा है, न कि शहर वालों को उनसे कोई प्रॉब्लम। लेकिन तड़ीपार तो पुलिस ने किया है ना, नेता ने किया है ना। हाँ हाँ पुलिस ही की है, जो हमने वीडियो सुना है उसमें तो बिल्कुल साफ वो कह रहे हैं कि पहले उनको बुलाया गया और ACP एक वीडियो में कह रहे हैं वो कि ACP ने कहा कि जाओ नेता का जाके पांव पकड़ो। अरे जब कहलवाया गया है तभी तो कि सब चीजें हो रही हैं, नेता का पांव पकड़ो ही को तड़ीपार नहीं। और ये भी कहा उसने कि बाद में जब तड़ीपार होने के बावजूद भी ये हुआ कि जा तू NCP ज्वाइन कर ले और ये कर ले, जैसा कि उसने कहा। हम नहीं कहते कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि जब बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो थोड़ी बहुत उसमें मौजूद होती है। तो उसने कहा इसका मतलब है कि आपको फिर से लालच दिया गया कि NCP में दाखिल हो जाओ, ये सब चीजें की जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपने किया है। तो ऐसे लोगों को पता नहीं, ये तो यानी कि पूरे के पूरे यानी कि कहें कि पॉलिटिक्स का यानी कि निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इस पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो भ्रष्टाचार खत्म करें, पॉलिटिक्स का अपना मोरल ऊंचा करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि इनको कॉरपोरेशन में खत्म कर दो, आम आदमी को ला के रखो, देखो कि आम आदमी कितना खुशहाल इंशाल्लाह नजर आए। अगर तीसरा सब्जेक्ट था स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर जी, तो क्या है इसका? देखिए हॉस्पिटल को लेकर के यहाँ पर PPP नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा नहीं है कि उनको PPP किया जाए। PPP के लिए एक अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पर लोग बदहाल है, उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर पूरा फुल्ली गवर्नमेंट होना चाहिए। कलवा में जगह जगह है ना, यहाँ पर फुल्ली गवर्नमेंट होना चाहिए। आप ऑपरेट कीजिए, यहाँ से लोग तो हैं ना इलाज कराने के लिए। ऐसा नहीं है खाली जाएगा, भरा हुआ मिलेगा आपको इंशाल्लाह, आप देखेंगे। बस ये है कि भाई इसमें भी प्राइवेटाइजेशन आ जाती है। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट खुल जाए। जिस दिन उनका गवर्नमेंट खुल जाएगा, मुंब्रा शहर में जानबूझकर सब प्राइवेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल प्राइवेट, बिजली प्राइवेट, सभी चीजें प्राइवेट किया जा रहा है, ये शहर के लिए क्या घातक साबित हो सकता है आने वाले समय में? घातक साबित क्या हो सकता है, घातक हो गया, खत्म हो चुका। जिस तरह मोदी जी जैसे पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया है, मुंब्रा को, बल्कि एक जो अच्छी, बल्कि कहे कि बड़ी अच्छी जगह थी, उसी तरह से इसको खत्म कर दिया गया है। हर तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया। जब सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप बने ही क्यों है, बने क्यों है? जब पब्लिक प्रॉपर्टी तो कुछ बची नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बची है ना, यहाँ पर कोई चीज गवर्नमेंट नहीं बचा, सब तो प्राइवेट हो गया। आपके आपका मंत्री रहने का यहाँ पर क्या 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 देखना चाहते हैं आप? क्यों यहाँ से जीत के गए हैं आप? सब तो प्राइवेट हो गया, आपका कोई काम ही नहीं है, प्राइवेट को करने दीजिए, आप जाइए। आप इन सबके खिलाफ फिर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? हम तो रोज उतरना चाह रहे हैं, रोज हमारे जा रहा है इनके ऊपर, कमिश्नर के यहाँ जा रहा है, ACP में जा रहा है, पुलिस के यहाँ जा रहा है, हमारे धरना के लिए जा रहा है, रैली के लिए जा रहा है, मोर्चा के लिए जा रहा है, परमिशन ही नहीं मिल रहा है। कोरोना जहां फैलता है, ठंडक के इलाके में ये रिसर्च है कि ज्यादा फैलता है, जहां पर है वहां पर किसान मोर्चा चल रहा है ना, 50 दिन होने जा महीनों महीनों से ज्यादा हो गए किसान मोर्चा को, वहां नहीं फैल रहा है
है ना, जहां पर अभी गर्मी है हम बैठे हुए हैं फाइन चला रहे हैं, यहां पर हमारे एक मोर्चा से, आज मोर्चा किसान मोर्चा हमारा आजाद मैदान मेरिन से लाइन से निकलेगी आजाद मैदान तक जाएगी, वहां नहीं फैलेगा लेकिन यहां जरूर फैलेगा। कोरोना का डर सबसे ज्यादा मुंबरा में बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि मकसद क्या है। मकसद बस सिर्फ साफ है कि टोरेंट को हमको हिफाजत करनी है ताकि ये जो है ना ये दुधारू गाय का फायदा सबको मिल सके, उसमें सब शेयर होल्डर हो सके। बस वो ये चाहते हैं कि टोरेंट के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, एकदम जो चल रहा है अच्छा है, सबके ठीक ठाक चल रहा है और सबका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, सिवाय इसके कि आवाम जनता के, कि जनता का तेल निकलने वाला है। अब 20 साल में तो बहुत बुरी हालत हो रही है।